देवानमा मैं अनुज कुमार मिश्र आप सभी मित्रों का इस चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम लोग NTA UGC संस्कृत सब्जेक्ट कोड 25 के इकाई 9 पर बात कर रहे हैं। तो इसी क्रम हम लोग पुराण प्रश्नावली पर चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग अभी तक 105 क्वेश्चनों की व्याख्या पढ़ ली थी। इसे छठे प्रश्न से आइए आगे देखते हैं। तो छठा प्रश्न है, गंगा भूमौ केनानीता। गंगा भूमौ केनानीता, तो गंगा को भूमि पर कौन ले आया? अंशुमता, ये विकल्प है अंशुमता, बी है भागीरथीन, और सी है सगरेण, और डी है दिलीपेन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि राजा सागर के वंशजों में के वंशजों के उद्धार के लिए भागीरथ ने गंगा को भूमि में आने के लिए प्रयास किया और उनकी वंदना के स्वरूप गंगा भूमि पर आई। तो हमारा बी विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प? बी विकल्प हमारा सही होगा। बी विकल्प टिक कर लें। बाकी अंशुमता का चर्चा नहीं रहते, और सगरेण से सागर से प्राय है, जो भाग इन्हीं के वंशज के भागीरथी थे, और राजा दिलीप रघुवंश में आते हैं। अगला सातवां प्रश्न है कि अष्टादश परिपीडनम इति केन कथितम। अष्टादश परिपीडनम इति केन कथितम, अष्टादश पुराणेश व्यासस्य वचनम द्वयम्। अष्टादश ये एक श्लोक था जो विष्णु पुराण में आया है, वो श्लोक है, आप सुन लें। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकारः पूर्णाय पापाय परपीडनम्। तो चूंकि विष्णु पुराण का ये श्लोक है, इसलिए इसकी रचयिता कौन है? वेद व्यास ने ही पुराण की रचना की थी, इसलिए इसका विकल्प वेद व्यास होगा। आइए अगला आगे देखते हैं। अगला इस 8वां प्रश्न है, भूमो पतंति गंगा केन शिरसि धृता। भूमि पर गिरती हुई गंगा को किसने सिर पर धारण किया? हिमालयन के द्वारा, कि शिवेन के, कि ब्रह्मा की, ब्रह्मणा के, कि भागीरथीन। तो भागीरथ की तपस्या के फलस्वरूप गंगा भूमि पर उतरी थी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गंगा का उत्तरोत्तर पतन हुआ, पहले गंगा जी ब्रह्मा जी की नाभि से उनके कमंडल में पहुँचे, फिर कमंडल से स्वर्ग में पहुँचे, और स्वर्ग से फिर वो शिव जी के सिर पर गिरे, और शिव जी के सिर से फिर हिमालय पर्वत पर, हिमालय पर्वत से फिर भूमि पर। तो कह रहा है कि भूमि पर गिरने गंगा केन शिरसि धृता। भूमि पर गिरने के पहले गंगा को किसने सिर पर धारण किया? हम जानते हैं कि शिव ने गंगा को धारण किया। हमारा बी विकल्प सही होगा। आइए अगला देखते हैं। देवयानी किसकी पुत्री थी? देवगुरोह की, शुक्रस्य की, भृगोह की, कश्यपस्य। जैसा कि हम जानते हैं, राजा एक देव असु थे, राजा याद नहीं आ रहा है, देव राक्षस थे, उनके गुरु का नाम राक्षस के राजा थे, उनकी पुत्री का नाम था वृषवर्मा ऐसे करके राजा थे, चले जाने दीजिए। देवयानी कश्यपा, तो देवयानी राजा दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी, शुक्रस्य। तो इसका विकल्प हमारा कौन सा होगा? शुक्रस्य, ये विकल्प टिक कर लें। आइए आगे अगला चलते हैं। अगला प्रश्न, है कश्य पुत्री पुत्र आसीद भगवत भक्तो अम्बरीषा। कश्य पुत्र आसीद भगवत भक्तो अम्बरीषा। भगवत भक्त अम्बरीश किसके पुत्र थे? नभगस्य के, कि नाभागस्य के, कि यज्ञसेनस्य के, कि वृषेणस्य से।
तो भगवत भक्त अम्बरीश किसके पुत्र थे? इसका नाभागस्त के पुत्र थे, इसलिए भी विकल होना सही होगा। जैसे हमने बताया शर्मिष्ठाया पितु किम नाम, तो समझ लें बृहस्वर्मा एक राक्षसों के राजा थे, उनके और राक्षसों के गुरु का नाम था शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य की एक पुत्री थी देवयानी, और शर्मिष्ठा दैत्य राजा बृहस्वर्मा की पुत्री थी शर्मिष्ठा। तो एक बार शर्मिष्ठा के वस्त्रों को बिना पूछे देवयानी ने ग्रहण कर लिया। तो शुक्राचार्य नाराज हो गए, तो शुक्राचार्य को प्रसन्न करने के लिए दैत्य राजा बृहस्वर्मा ने उन्हें अपनी पुत्री को दासी के रूप में स्वीकार किया। ययाति से देवयानी का विवाह हुआ, बाद में ययाति ने शर्मिष्ठा से विवाह कर लिया था। तो उसी में वही का यह प्रसंग है। ये तो 11वां प्रश्न और जो ये 109वां प्रश्न था, ये दोनों उसी से संबंधित हैं। तो आइए, शर्मिष्ठा के पिता का क्या नाम था? शर्मिष्ठा के पिता नाम था बृहस्वर्मा। हमारा विकल्प सही होगा। आइए 12वां प्रश्न चलते हैं। 12वां प्रश्न है, किस जन्म कश्याम तिथो भवति, कृष्ण का जन्म किस तिथि में हुआ था? कृष्ण का जन्म तृतीयायाम हुआ था कि अष्टम्याम हुआ था कि एकादश्याम हुआ था कि पौर्णमास्याम हुआ था? तो कृष्ण का जन्म अष्टम्याम तिथि को हुआ था, अष्टम्याम। तो भी विकल्प हमारा सही, अष्टमी तिथि को हुआ था। आइए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। इस 13वां प्रश्न है हमारे सामने, इस 13वां प्रश्न है, नरका कति विधा, नरका कितने प्रकार के होते हैं, नरक कितने प्रकार के होते हैं? एकादश विधा कि पंचदश विधा कि एक विंशति विधा कि पंचविंशति विधा? तो नरक कितने प्रकार के होते हैं बताएं जल्दी। तो नरक 21 प्रकार के होते हैं, एक विंशति विधा, नरका कति विधा, एक विंशति। तो हमारा सिविकल सही होगा, सिविकल टेक कर लें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पौराणिक भूगोलानुसारेण कत समुद्र, पौराणिक भूगोल के अनुसार अर्थात पुराणों के भूगोल के अनुसार कितने प्रकार के समुद्र हैं, समुद्र की संख्या कितनी है? सप्त नौ अष्ट पंच। तो पौराणिक भूगोलों में 7 समुद्रों की चर्चा की गई, इसलिए हमारा ये विकल्प सही होगा, सप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, इदम पुराणम ना, इनमें से कौन पुराण नहीं है? ये महापुराण को पूछना चाहते हैं कि वराह महापुराण नहीं है, कि वामन महापुराण नहीं है, कि कर्म पुराण नहीं है, कि मकर पुराण नहीं है। तो यदि देखें तो ये पुराण पूजनशाला इदम पुराणम ना, ये उपपुराण और महापुराण की चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका पूछने का प्राय उपपुराण से ही है। यह महापुराण देकर कौन महापुराण है ऐसा पूछना चाहते हैं। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि माँ द्वयम भा द्वयम चैवो ब्रातयम व चतुष्टयम, तो वह चतुष्टयम से वराह पुराण और वामन पुराण आ जाता है। फिर अकुह अनु अनुपलिंग कुष्ठकानी, तो कु से कर्म पुराण भी कहने का प्राय है कि ए विकल्प वराह पुराण, फिर भी वामन पुराण और कर्म पुराण ये महापुराणों में आता है, जबकि मकर पुराण ये पुराण नहीं आता, इसलिए हमारा डी विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पुराणानुसारेण मन्वंतराणि कति संख्याने, पुराण के अनुसार मन्वंतरों की संख्या कितनी है? तो हम जानते हैं कि पुराण के 5 लक्षण हैं, सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। तो मन्वंतर पूछ रहे हैं अर्थात मनु का काल कितना है, कितने मन्वंतर गिने जाते हैं पुराणों में? द्वादश अर्थात 12 या चतुर्दश 14 षोडश 16 और 18 में कितने मन्वंतर गिने जाते हैं? तो आप जानते हैं कि पुराणों में मन्वंतर की संख्या 14 बताई गई, तो हमारा बी विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प? बी विकल्प। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु तामस पुराणम किम, निम्नलिखित में तामस पुराण
कौन है? पद्म पुराण है कि लिंग पुराण है कि ब्रह्मांड पुराण है कि मार्कंडेय पुराण है? जैसा कि हम जानते हैं महापुराणों को का एक विभाजन सात्विक तामस और राजस पुराण में किया गया है। तो सात्विक पुराणों में वैष्णवी पुराण आते हैं, तामस पुराणों में शैव पुराण और राजस पुराणों में ब्रह्म पुराण। तो पूछा है तामस पुराण नहीं है, तो तामस पुराण में सुन लें, शैव पुराणों में मत्स्य पुराण आता है, कुर में आता है, लिंग आता है, जीव आता है, अग्नि तथा स्कंद पुराण आते हैं। तो यहाँ पे जो लिंग पुराण है ये तामस पुराण की श्रेणी में आता है, जबकि पद्म पुराण या ये वैष्णवी पुराण है जो सात्विक की श्रेणी में आता है, और ब्रह्मांड पुराण ये राजस की श्रेणी में आता है, और मार्कंडेय पुराण ये भी जो है राजस पुराण की श्रेणी में आता है। तो इसलिए हमारा डी विकल्प सॉरी बी विकल्प लिंग पुराण सही होगा। ये लिंग पुराण तामस पुराणों की कोटि में आता है। फिर है कुचलोपाख्यानम कस्मिन पुराण विद्यते? कुचलोपाख्यान किस पुराण में है? स्कंद पुराण में कि भविष्य पुराण में कि भागवत पुराण में कि वायु पुराण में? कुचलोपाख्यान किस पुराण में है? कुचलोपाख्यान का वर्णन भागवत महापुराण में किया गया है, इसलिए हमारा सी विकल्प सही होगा। सी विकल्प टिक कर लें, सी विकल्प। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेत कल्पवत पुराणम किम? प्रेत की कल्पना किस पुराण में की गई है? विष्णु पुराणम में कि गरुण पुराणम में कि नारद पुराणम में कि पद्म पुराणम में? तो प्रेत की कल्पना हम जानते हैं कि जब हमारे यहाँ किसी का देहांत हो जाता है तो उसके साध्य के अवसर पर गरुण पुराण का श्रवण और पाठ किया जाता है। इसलिए आप जान लें कि प्रेत की कल्पना गरुण पुराण में की गई है। प्रेत की कल्पना किस में की गई है? गरुण पुराण में। तो हमारा बी विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न है एस बीसवां प्रश्न है। एस बीसवां प्रश्न है अधोनिर्दिष्टेषु राजस पुराणम किम? नीचे लिखे गए पुराणों में राजस पुराण कौन है? शिव पुराणम है कि पद्म पुराणम है कि ब्रह्मांड पुराणम है कि स्कंद पुराणम? जैसा कि हम जानते हैं कि पुराणों का एक विभाजन सात्विक पुराण, तामस पुराण और राजस पुराण में किया गया, तो हमें राजस पुराण पूछना है। तो राजस ब्रह्म से संबंधित पुराणों को राजस पुराण कहते हैं। उनके नाम सुन लें, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण और वामन पुराण तथा भविष्य पुराण, ये राजस पुराण में आते हैं। तो ब्रह्मांड जो पुराण है ये हमारा सी विकल्प ये सही होगा। सी विकल्प ही ये राजस पुराण में आता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, मार्कंडेय, ब्रह्म और वामन तथा भविष्य ये सारे जो है राजस पुराण में आते हैं, जबकि शिव पुराण तामस पुराणों में आता है, और पद्म पुराण ये सात्विक पुराण है, और स्कंद पुराण ये भी जो है स्कंद पुराण भी तामस पुराण की श्रेणी में आता है। तो हमारा सी विकल्पों का ब्रह्मांड पुराण ही राजस पुराण है। आइए अगला प्रश्न है पुराणे लक्षणे एतत् न अंतर्भूत? पुराण में इनमें से कौन ऐसा लक्षण है जो अंतर नहीं है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि पुराण के 5 लक्षण हैं, सर्गः प्रतिसर्गश्च वंशा मनवंतराण चा वंशानुचैतम चैव पुराणम पंच लक्षणम। तो सर्ग भी है, प्रतिसर्ग भी है, वंश भी है, लेकिन मनवंतर है और वंशानुचैत है, जबकि जन्मांतराण नहीं है पुराणों के लक्षण में, इसलिए हमारा डी विकल्प सही होगा। डी विकल्प टेक कर लें। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेशीय राज्ञाम वंशावली कस्मिन पुराण वर्णित? आंध्र प्रदेशीय राजाओं की वंशावली का वर्णन किस पुराण में किया गया है? आंध्रदेशीय वंशावली राजाओं का वंशावली का वर्णन किस पुराण में? मत्स्य पुराण में है कि मार्कंडेय पुराण में है कि वामन पुराण में कि विष्णु पुराण? तो जैसा कि हम जानते हैं विष्णु पुराण में मौर्य वंश के राजाओं का वर्णन है, और मत्स्य पुराण में जो है आंध्र प्रदेशीय राजाओं का वर्णन है, इसलिए हमारा ए विकल्प सही होगा। ए विकल्प टिक कर लें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मत्स्य पुराणोत्तेषु दिव्य अवतारेषु को न गण्यते? मत्स्य पुराण
में विष्णु के दिव्य अवतार में किसकी गणना नहीं होती? नारायण की नरसिंह की, बुद्ध की वामन की? बताइए। तो हमारा बुद्ध की नहीं होती, जबकि मत्स्य पुराण में नारायण की भी गणना होती है, नरसिंह की भी, वामन की भी होती है, जबकि बुद्ध महात्मा बुद्ध की गणना नहीं होती। महात्मा बुद्ध को भी विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन मत्स्य पुराण में इसकी गणना नहीं है। आइए अगला देखते हैं। पुराण लक्षण संस्थावर्तते, पुराण के लक्षण में इसका अर्थ है कि पुराण लक्षण है, पुराण के लक्षण में संस्था वर्तते, संस्था है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर। संस्था क्या है? सर्ग का मतलब आप जानते हैं कि सृष्टि का उत्पत्ति, प्रतिसर्ग प्रलय काल, और वंश में जो है ऋषियों और मुनियों की वंशावली का वर्णन, देवताओं की। यदि मनवंतर में क्या है? मनु के चैत का वर्णन है। तो इसमें पूछा है पुराण लक्षण संस्था वर्तते, पुराण लक्षण में संस्था नहीं है, संस्था है। तो संस्था मतलब का प्राय कहने का प्राय यह है कि प्रतिसर्ग में प्रलय और व्युत्पत्ति है। इसके क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, ये 24वां टेक कर लें, कहना का क्या प्राय ये समझ नहीं पा रहा है, इसको देख कर आपको बताते हैं बाद में। आइए, अगर इसको आपको जानकारी तो कमेंट बॉक्स में जरूर करके इसको बताएँ। वनजो खरवा, अत्र प्रथम वन शब्देन कौ गृहते? वनजो खरवा, इस यहाँ प्रथम वन शब्द से क्या ग्रहण होता है? तो मत्स्य कच्छपों की, कच्छप वामनों की, श्री राम कृष्णों श्री कृष्ण वद्धों। तो वनजो में यहाँ मत्स्य कच्छपों का ग्रहण होता है। तो ये भी कल मैं ठीक कर लें। आइए अगला प्रश्न चाहते हैं। अगला प्रश्न है, वामन पुराण दिशा भागवतस्य पुराणस्य वैशिष्टेषु को विद्यते? वामन पुराण दिशा में भागवत पुराण के वैशिष्टों को कहा जाता है, रावण वध, वकासुर वध, कंस वध और वृत्रवध। क्या कहा जाता है? तो ये वृत्रवध कहा जाता है। क्या भी वर्णित विद्यमान है? वृत्रवध। हमारा डिविकल सही, टिक कर लें, डिविकल सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 127वां प्रश्न है कि ब्रह्मखंडस्य ब्राह्मण्य खंड ब्रह्मोत्तर खंड रूपेण विभाग द्वयम् कस्मिन् पुराणे वर्तते? कि ब्रह्मखंडस्य और ब्राह्मण्य खंड ब्रह्मोत्तर खंड रूपेण, ब्रह्मखंड ब्रह्मण्य खंड और ब्रह्मोत्तर खंड रूपेण विभाग किस पुराण का दो विभाग किया गया है? ब्रह्म पुराण का कि ब्रह्मांड पुराण का कि स्कंद पुराण का कि मार्कंडेय पुराण का? तो स्कंद पुराण का, ये दो खंड विभाजित हैं। तुम्हारा सी विकल्प सही होगा, इसी विकल्प टिक कर लें। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। शाकद्वीपेश्वरो अस्ति, शाकद्वीपेश्वर है, कौन है? मेधातिथि हैं कि द्युतिमान है कि हव्या है कि वपुष्मान है? तो शाकद्वीप के ईश्वर हैं कौन है? मेघातिथि, हव्य, द्युतमान और वपुष्मान, बताएं। तो मेधातिथि को शाकद्वीपेश्वर कहा जाता है। तो हमारा ए विकल्प सही होगा। वशिष्ठस्य प्रपौत्रोस्ति, वशिष्ठ के प्रपौत्र थे, वशिष्ठ के कौन प्रपौत्र माने जाते हैं बताएं? सुखदेव थे कि पराशर थे कि व्यास थे कि सांसुपायन थे? तो वशिष्ठ के प्रपौत्र कौन माने जाते हैं? तो वशिष्ठ के प्रपौत्र का नाम था व्यास। व्यास जी वशिष्ठ के प्रपौत्र थे, इन्होंने ही पुराणों की रचना की थी। तो व्यास ठीक कर लें, इसी विकल्प। अगला प्रश्न है, ब्रह्म बंधु इत्यस्य अर्थोस्ति, ब्रह्म बंधु का क्या अर्थ है? जाति मात्र ब्राह्मी, व्यभिचारिणी, विधवा, रजस्वला। ब्रह्म बंधु इत्यस्य अर्थो अस्ति, ब्रह्म बंधु का क्या अर्थ है? जाति मात्र ब्राह्मणी, व्यभिचारिणी, विधवा और रजस्वला। देखें
तो इसका अर्थ है ब्रह्मबंधु का जाति मात्र ब्राह्मण ही। ये विकल्प टिक करे, ये विकल्प सही होगा। आइए अगले अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि द्वादश स्कंद संवलितम महापुराणम किम। द्वादश स्कंद, द्वा और दस अर्थात 12 स्कंद संवलित महापुराणम किम। 12 स्कंदों में बना हुआ महापुराण कौन सा है? भविष्य पुराण की, वायु पुराण की, भागवत पुराण की, विष्णु पुराण, जैसा कि हम जानते हैं बहुत फेमस पुराण है भागवत महापुराण 12 स्कंदों में बना हुआ है, इसलिए हमारा कौन सा विकल्प होगा? सी विकल्प, ठीक कर लें। और आखिरी प्रश्न, इस पुराण प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न देख लें। उपपुराणेश अंतर्गतम अस्ति, उपपुराणों के अंतर्गत हैं मार्कंडेय पुराण, की नारद पुराण, की ब्रह्मांड पुराण, की गणेश पुराण। जैसा कि हम जानते हैं मार्कंडेय पुराण